मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इस बजरंगी भाईजान ने एक बहुत अच्छा कमाल कर दिया है और चाइना में रिलीज होते ही कहीं ना कहीं रिकॉर्डों का सिलसिला चालू हो चुका है बनना। और पहला रिकॉर्ड क्या बनाया है सलमान खान ने, चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी हाल ही में खबर आई कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान अब ओवरसीज में कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है जो 200 करोड़ कमा लिया है उस फिल्म ने। यानी कि सलमान खान की अभी तक जितनी भी ओवरसीज ग्रॉसर की फिल्म है, यानी कि जितना भी इंडिया के बाहर कमाई है फिल्में, उसमें सबसे ज़्यादा अब बजरंगी भाईजान ने कमा लिया है। वो ऊपर से 200 करोड़ भी पार कर लिए हैं और चाइना में अब तक इसने 6 करोड़ के आसपास का कलेक्शंस कर लिया है, 6 साढ़े 6 करोड़ का। ये अपडेट्स देख सकते हैं और एक बहुत बेहतर है और 3:30 बजे तक का अपडेट्स है चाइना का, यानी कि रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है। और इसका टोटल हो चुका है ओवरसीज़ में अब तक बजरंगी भाईजान का 200.29 करोड़, यानी कि और इसमें 6-7 करोड़ या 8 करोड़ और जुड़ेंगे जब दिन खत्म होगा, तो यानी कि 200 करोड़ क्रॉस कर लिए बजरंगी भाईजान ने ओवरसीज़ मार्केट पे। और इसमें चाइना की कहीं ना कहीं हेल्प मिली है, चाइना के कलेक्शन से 1.06 मिलियन डॉलर, यानी कि करीबन करीबन 6.5 करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन हुआ 3:30 बजे तक का चाइना में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।